So in the differentiation, we'll first discuss the first principle, and also the first principle we can derive it and write it down in different ways. ठीक है, so let us try to see few ways how we can write down this first principle. तो इसमें हम यहाँ पे ले सकते हैं कि जो derivative होगा at some point, ठीक है, so किसी point पे हम बात करेंगे. तो जैसे कि आप f dash x is equal to limit h tends to zero f of x plus h minus f of x divide by h. If this limit exists, then we'll say that the function is differentiable. अब यहां पे भी क्योंकि we are to find out limit h tends to zero, तो यहां पे भी एक चीज आएगी कि left hand limit and right hand limit, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे left hand derivative and राइट हैंड डेरिवेटिव. तो वहां पे इसको भी हम अलग तरह से अब लिख लेते हैं कि यहां पे हो जाएगा द राइट हैंड डेरिवेटिव, लेट अस कॉल इट एज आर एच टी. तो जीरो प्लस की बात करेंगे, है ना, तो जीरो प्लस की, इसको भी हम, आपको पता है कि लिमिट को भी जीरो प्लस या जीरो माइनस, उसको भी अलग अलग तरह से लिख सकते हैं. तो कोई भी एक तरीका आप याद रखो, क्योंकि आप यहाँ माइनस एच लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू हैव डिफाइंड द लिमिट. So we can write down RHT as limit. Now we are keeping H as positive. Limit H tends to zero. So since H is positive, so it is H tends to zero plus, right? No need to write it this down. F of X plus H minus FX upon h. Now this and this are same, but here h is being approached from the left hand side as well as from the right hand side, right? But here h is being approached to zero from the right hand side. So let's write down the left hand limit. So left hand limit mein again h we are taking as positive. Limit h tends to zero f of now x minus h minus f of x. Now if you are trying to find out at, let us say x equals a, so in place of x we'll substitute a, so that will be f dash a and minus h here, since h is greater than zero. This is how you define the left hand limit and the right hand limit as well. तो यहाँ पे दोनों ही हमको चेक करने पड़ेंगे टू प्रूव और टू फाइंड आउट वेदर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट. लेट अस ट्राई टू एंड आल्सो टू फाइंड द डेरिवेटिव एज वेल, राइट? बट हम क्या करेंगे कि हर बार ऐसे चीज यूज नहीं करेंगे कि वी विल नॉट ऑलवेज यूज फर्स्ट प्रिंसिपल टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव. ठीक है, हम बहुत इजी वेज भी है हमारे पास निकालने के लिए कि हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का डेरिवेटिव याद रखेंगे और कोई फंक्शन दिया हुआ कंपोजिट फंक्शन, तो चेन रूल लगा के उसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे. तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं ये थोड़ी देर बाद देखते हैं. ठीक है, हम छोटा सा काम कर लेते हैं. लेट अस से वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स कॉस टू एक्स. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ cos 2x. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल. ठीक है, तो अभी वी आर नॉट वरीड अबाउट कि हम RHT LHT सेपरेटली निकालें. ठीक है, हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, लेट अस ट्राई टू राइट डाउन f डैश x विद दिस सेम फॉर्मूला. तो यहां पे क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो x प्लस h cos ऑफ 2 times x plus h minus fx, that will be cos 2x divided by h. फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा h tends to 0 2 times sine of a plus b by 2. ठीक है,
तो ए प्लस बी कितना 2x प्लस 2x 4x प्लस 2h. So we'll adjust that minus in the second bracket of sine when we'll have sine of b minus a by 2. So that will be 2 times a plus b divided by 2 sine b minus a divided by 2. बेसिक्स लिमिट्स अप्लाई करके यू कैन गेट द आंसर डिवाइड बाय एच यहां पे 2x माइनस 2s माइनस 2h आ जाएगा. ठीक है तो वाला नेगेटिव हम बाहर लिख सकते हैं अभी. तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस 2 साइन ऑफ 2x प्लस h और यहां बच जाएगा साइन ऑफ 2h बाई 2 साइन ऑफ h. नीचे एक h था ही पहले. दिस विल बी 1 दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी माइनस 2 साइन 2h. माइनस 2 साइन 2x. इफ द फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू a देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a. तो उसको डिराइव करने के लिए वट वी कैन डू इज कि अगर ये डिफरेंशियबल हमें गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दैट कंडीशन जो भी हमने थोड़ी देर पहले फर्स्ट प्रिंसिपल में पढ़ी थी. और वो कंडीशन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एच के टर्म्स में लिख लेते हैं इसको. एफ ऑफ एक्स प्लस एच यहाँ पर एच टेंड्स टू जीरो एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच ए पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्स का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा. तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच. अब ये क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है. दिस एग्जिस्ट क्योंकि डिफरेंशियबल दिया हुआ है. अब हमको जो प्रूव करना है कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस तो कंटिन्यूटी की कंडीशन लगा के हम देखते हैं कि हमें करना क्या है. लिमिट यहां हो जाएगा अगर आप ऐसा करो कि x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए. अगर हम ऐसा करें कि ये एग्जिस्ट कर रही है एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. ठीक है ये एग्जिस्ट करे एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब हम यहां से कन्विंसिंगली कह पाएंगे कि एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसमें लिमिट लगाओगे तो दिस विल बी एफ ऑफ ए ओनली. तो हमको ये निकालना है यूजिंग दिस. ठीक है सबसे पहला काम हमको ये करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चेंज द लिमिट्स x टेंड्स टू a है या h टेंड्स टू 0 है. तो या तो इसको h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट कर लें या फिर इसको हम a टेंड्स टू x टेंड्स टू a में कन्वर्ट कर लें. ठीक है यही हमारे पास ऑप्शंस है. अब यहां पे सो टू यूज द अबव लिमिट दिस वन वी हैव टू मेक द लिमिट सेम x टेंड्स टू a एंड व्हाट वी कैन डू इन दिस इज because here a plus h is there substitute a plus h as x right so h will be when h tends to 0 x tends to a so limit is this when h is tending to 0 x is tending to a so limit changes to x tends to a here at least it will be f of x minus f of a and a is x minus a right so you can also use this first principle in this form to find out the derivative right so also remember this now it simply means that this expression exists right this exists
And how we can make use of this is this particular limit that is written over there. We can now divide and multiply by x minus a. Limit x tends to a fx minus f of a divided by x minus a into x minus a, right? So this is the expression we can modify. And we know that this limit exists separately and this also exists separately, right? So in this case, this exists separately. Let us say it is something, because it is actually f dash a only, right? This is f dash a that is written over there. So f dash a into when x tends to a, this will be zero, right? So this limit will be f dash a into zero, which is equal to zero. So it clearly implies ki this is equal to zero, right? So ye humne zero prove kar diya. Ye humne likha hua tha ki that we have to prove this, to prove this statement. So when you apply the limit here, limit x tends to a f of x minus limit x tends to a f of a is equal to zero, because this is limit x tends to a is nothing but this quantity is f of a only, right? So this limit exists and is equal to f of a, and this is the condition for any function to be continuous, that this limit should exist and should be equal to the value of the function at that point. So if a function is continuous at x equal to a, it may or may not be differentiable at that point. Ulta to sahi tha ki agar differentiable hai to continuous zarur hoga, lekin agar continuous hai to differentiable ho bhi sakta hai, differentiable nahi bhi ho sakta hai. So we can use the example of fx equals mod x, and let us try to find out at x equal to 0. At x equal to 0 it is clearly continuous kyunki limit exists kar rahi hai aur 0 ke equal hai, but try to find out the left hand derivative and the right hand derivative. RHD and at x is equal to 0. Yes, at x equal to 0. So we will discuss about this at x equal to 0. So RHD and LHD. RHD mein hum directly kya likh denge, limit h tends to 0 f of x plus h minus, ab 0 pe nikal rahe hain to 0 plus h ho jayega, तो हम डायरेक्टली यहां पे लिख देते हैं 0 प्लस h उसका मॉड माइनस f ऑफ 0 इज 0 डिवाइड बाय h, एंड रिमेंबर h इज पॉजिटिव. लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 माइनस h, माइनस h का मॉड माइनस 0 डिवाइड बाय माइनस h, एंड हियर आल्सो h इज पॉजिटिव, तो मॉड h जो रहेगा वो h के बराबर ही रहेगा. एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये h बाई h हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1, और ये मॉड h है वेयर h इज पॉजिटिव, तो ये h ही रहेगा, तो h अपॉन माइनस h, दिस विल बी माइनस 1. सो द राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस विल नॉट बी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. Although it is continuous at the point x equal to 0. तो यहाँ पे जैसे कि आप derivative different different आ चुके हैं दोनों जगह, तो एक graphically अगर हम देखना चाहेंगे तो we can write one statement कि जहां पे भी आपका corners बन रहे होंगे वहां पे function differentiable नहीं होगा. fx will not be differentiable. Continuous की बात नहीं कर रहे हैं, differentiable की बात कर रहे हैं. fx will not be differentiable at corner points. अरे हर function के लिए true रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने अभी example लिया है, अगर इसको आप draw करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास fx equal to mod x. So this will be the graph. और आप यहाँ पे देख रहे हो कि x equal to 0 पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है. सो दिस इज द कॉर्नर.
जब भी आपके पास कॉर्नर बनेगा फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशियबल. जितने पॉइंट्स पे कॉर्नर बनेगा उतने पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं रहेगा. तो एफ एक्स हमको ऐसा डिफाइन किया हुआ है तो क्लियरली कंटिन्यूस तो है ही. ठीक है, आप मॉड एक्स है यहाँ पे तो जीरो को अप्रोच कराओगे और केसेस ले लोगे दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट के, इट विल बी जीरो. एंड वी ऑल्सो डिस्कस दिस पार्ट इन द कंटिन्यूटी. तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू जीरो तो यू विल यूज दी फर्स्ट प्रिंसिपल. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखो, राइट हैंड डेरिवेटिव लिखो एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि डिफरेंशियबल है या नहीं. तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले काम तो वही करेंगे कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव लिख लो. तो राइट हैंड डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं. लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और हमने पहले ही माना हुआ है हमेशा हर केस में एच इज पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जीरो पे बात कर रहे हैं तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा. एंड रिमेंबर दैट एच इज पॉजिटिव, तो मॉड की जरूरत नहीं है. तो हम यहां क्या लिख देंगे, एच थ्री ई रेस टू द पावर वन बाई एच प्लस फोर माइनस जीरो बिकॉज दिस इज एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाई एच. ठीक है, अच्छा एक और ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे तो इसको करेक्ट कर लेते हैं. सर आई फाउंड अ मिस्टेक, मैंने गलती से लिमिट एग्जिस्ट करने का. अच्छा देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस ये माइनस जीरो बाई एच. ये दोनों कहानी खत्म. वेर एच इज टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस है क्योंकि एच इज ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, अब ई की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे वन बाई जीरो है तो प्लस से अटेंड कर रहा है तो ए की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा. तो इन्फिनिटी वाले में क्या करते हैं, वी डिवाइड बाय दैट टर्म. तो ये कितना बन जाएगा, थ्री प्लस फोर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस वन बाई एच, और ये क्या बन जाएगा, टू इंटू ई रेस टू द पावर वन माइनस वन बाई एच, और यहाँ क्या जाएगा माइनस वन. ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं. तो सिर्फ लिमिट निकालनी है और कुछ नहीं करना है. थ्री प्लस फोर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस वन बाई एच, और ये यहाँ पे आ जाएगा टू ई रेस टू द पावर माइनस वन बाई एच माइनस वन. अब ये टेन टू जीरो हो जाएगा. सो दिस विल बी जीरो एंड दिस विल बी जीरो, थ्री अपॉन माइनस वन. तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा माइनस थ्री. तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, देयर विल बी ओनली वन डिफरेंस. अभी भी हम एच को पॉजिटिव ही ले रहे हैं. लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहाँ पे जीरो माइनस एच हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस एच आ जाएगा हर जगह मॉड एक्स की जगह. तो माइनस एच होगा तो बाहर निकल के एच आएगा, तो क्या एच इज पॉजिटिव. तो अगेन दिस एक्सप्रेशन विल बी एच थ्री इंटू ई रेज टू द पावर वन बाई एच प्लस फोर डिवाइड बाई टू माइनस ई रेज टू द पावर वन बाई एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच. पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि एच की जगह यहाँ माइनस एच है और कोई डिफरेंस नहीं है. इसका मतलब पूरे लिमिट के बाहर आप माइनस लगा सकते हो. एंड दिस वाज माइनस थ्री तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस थ्री. सेपरेटली भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, दिस विल बी सेम, दैट इज इट विल बी प्लस थ्री क्योंकि सिर्फ एक ही डिफरेंस है. किसका डिफरेंस है, एच की जगह माइनस एच, तो नेगेटिव का ही डिफरेंस एलिमेंट में और किसी चीज का डिफरेंस नहीं है. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव, फंक्शन इज not differentiable at a point at x equal to 0 in this case. ठीक है, तो ऐसे ही we'll try to use the first principle जहां पे भी आपको differentiability की जरूरत पड़ेगी, whether the function is differentiable or not. The next question is show that function f of x equals x square sine 1 by x when x is not equal to 0 and this is 0 when x equal to 0 is differentiable. Is it always
those questions like this. Why is it usually x is, why is it usually fx is 0 when x is 0? So it is the way the function is defined. The function we have to show is differentiable. This is one part of the question. Is differentiable for every value of x, for every value of x, but its derivative is not continuous. This derivative is not continuous at x equal to 0. So not only have we have to prove that the function is differentiable, also that the derivative is not continuous at x equal to 0. So the right hand derivative, limit h tends to 0, and this will be 0 plus h, so h square sine 1 by h minus 0 by h. Clearly this is 0. And similarly the left hand limit. In both the cases h is tending to 0 and h is positive. So here for this will be 0 minus h, h square sine of minus 1 by h and minus h here. And this will also be 0. So the right hand derivative is equal to the left hand derivative. Function is differentiable at x equal to 0. Right. Another second part we have to do, it is its derivative is not continuous at x equal to 0. So first of all, we have to find out its derivative. And then we have to check at x equal to 0, it is continuous or. So we have now just proved that f dash 0 is 0, right? Because it is differentiable and the derivative is 0. So f dash 0 is 0. So it is differentiable at x equal to 0 and the value of the derivative is 0. Now f dash x, it will be 2x sine 1 by x, and the second part will be minus x square will be as it is. You will differentiate 1 by x, it will be minus 1 by x square. Both of them will get cancelled out. You'll apply the chain rule. So this will be a minus cos of 1 by x. Now this is the derivative. Now this is same as we can assume this function to be gx and g of 0 is given. So if it is continuous or not, you'll have to check limit x tends to 0 f dash x is what? Wait, before that, f dash 0 is equal to 0. Do I know that because fx is equal to 0 and x is equal to 0 and therefore f dash 0 is 0? Or do I know that because it's differentiable at x? See, we have found out this is f dash x only, f dash 0 only, right? This is f dash 0. Yeah. So both of them are same. Left hand derivative, right hand derivative. Then we can say the derivative is 0. At x equal to 0, right? Yeah. So we are finding out the left hand derivative and right hand derivative at x equal to 0 only. Yeah. So when you try to apply the limits, this will be oscillatory. You do not know the value for this function. Yeah. But this will be 0. So overall, you will say that the limit does not exist because this is not defined at x equal to 0. Here the limit does not exist, but the value of the function exists. That is, value of the function at 0 is 0. But since the limit does not exist, we'll say that f dash x is discontinuous at x equal to 0. This is what we had to prove. Fx equals x under root x minus under root x plus 1. We have to discuss the continuity
and differentiability of the function at x equals 0. See, in this clearly the function is not defined for negative x, that is when x is less than 0. So we will just talk about at x equal to 0 and 0 plus. So if we talk about the continuity, so clearly f of 0 is 0 and limit x tends to 0 plus f of x is also 0, because this is not indeterminate form, right? So wherever the function is defined, it is continuous. And similarly, we'll talk about the right-hand derivative. What do you equate the right-hand derivative? So the right-hand derivative, limit h tends to 0, so it is 0 plus. So here it will be 0 plus h, so it will be h. Under root h minus h plus 1, and f of 0 is 0, divided by h, right? In such a case, couple right hand derivative don't have a finite value then. So this is having a finite value, right? So clearly this will be equal to minus 1. So in its domain, it will be differentiable and it will be continuous. So at x equal to 0, right? So we'll not talk about 0 minus because the function is not defined for negative x. Find set of all points where function or where this fx equals x mod x is differentiable. So fx equals x mod x, you can redefine, you can define the function in parts. X square when x is positive, minus x square when x is negative. You can include 0 in any one of them. And if you differentiate, this will be equal to 2x. Oh, okay. 2x, yes. So that will be a derivative of 2x, x is greater than or equal to 0. You can include in any one of them at the 0. Minus 2x when x is negative. Now clearly when the derivative of 2x for x positive or greater than or equal to 0, it will exist, right, for any value of x, positive x. And similarly for less than 0, it will exist for all the values of negative x. But if you want to find out for the x equal to 0, so now at x equal to 0, if you'll try to find out, so this is also 0 and this will tend to 0, right? If you try to find out f dash 0 plus, this is same as f dash 0 minus, which is equal to 0, right? Or also you can apply the first principle to find out the derivative at x equal to 0. You'll get the same thing. But this is easier method. You can directly look and tell that the function is differentiable at x equal to 0 or not. Because everywhere apart from 0, it is differentiable. 2x is the derivative. So for every positive x, it is defined and exists. Similarly, minus 2x. It is defined and exists for all the negative x. So we have also checked at x equal to 0. So the function is differentiable from minus infinity to infinity. Or we can say for x belongs to any real number, the function is differentiable. Y equal to mod of x plus 2 into x. Now discuss the continuity. Discuss continuity and differentiability of the function f of x. Now as I said that you can in the previous question also you could have drawn the graph.
And if you are able to draw the correct graph of the function, you need not use the first principle, right? If you try to attempt it through the graph, and if you can draw the graph for this, you will yourself see where the function is continuous or not, and where the function is differentiable and where not, right? So you can take the example or take the help of the graph. So this f of x we can define. So we know that in the previous case it was 0, and here it has to be minus 2. So when x is greater than or equal to minus 2, right? So this has to be positive. So the function will be x square plus 2x. And when it is less than minus 2, that will be negative minus of x square plus 2x. This will be the function that we can define. Now again, the same thing applies here, right? For the continuity, this is continuous in its domain, this is continuous in its domain. So you'll just have to check at x equals minus 2. So at x equals minus 2, the left hand limit will be when you'll substitute here minus 2, right? So that will be equal to minus, so minus 2 square is 4. This will be minus 4, 0. And the right hand limit will be, you substitute minus 2 here. So 4 minus 4, that will be 0. And this is included. So which is also means that f of minus 2 is 0. You can also find it out from here. So now the left hand limit is equal to the right hand limit is equal to f of minus 2 is equal to 0. So clearly the function is continuous at x equal to minus 2, and it was continuous at every other point. So if it is continuous at x equal to minus 2, it is continuous for all the values of x, right? I can try to draw the graph of this to get some idea. So let's say this is the y-axis, this is the x-axis. So for x greater than minus 2, the function is this. This is upward parabola, right? So, and it is passing through 0 comma 0. So it has to pass through this. And so it is minus 2, at minus 2 it is 0, right? So it will pass through 0, and also we have seen from minus 2. So it will come from here. But we will not include this because it is defined for x greater than or equal to 2, right? So we will define from here onwards. So it will be like this, this part. Now, let us try to this one. That will be negative of this only, right? And that will be defined. This will be a function like this. But this is defined for x less than 2. So it will be like this. So finally, we have got this from here to here and from here to here, right? Now, if you try to see possibilities where that there can be corner, right? Because from here to here, there is no corner, right? But at this point, there is a corner at this point. So we need not find out the derivative using the first principle. We'll say that the function will not be differentiable at x equals minus 2. So by drawing the graph also, we can make out whether the function is differentiable or not. Of course, you can use the first principle and ultimately you'll get this thing only. Right hand derivative will be different from the left hand derivative, right? So this is all for the continuity and differentiability as far as the concepts are concerned, right?